हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी के प्रॉब्लम। तटे अपने पास मीडियम लेवल की अच्छी प्रॉब्लम आ जाई हुई है, ठीक है। तीन मेथड इसके डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम शीट में देखते हैं हमारे पास क्या कह रही है। ए कह रहे गिवन होगा एन साइज का, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। द टास्क इज टू फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर मिसिंग फ्रॉम द एरे। हमारा मेन टास्क क्या है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर मतलब वन से लेके एक तरह से आप कह सकते हो एन तक ही हमारे उसमें प्रेजेंट होंगे। अगर मैक्सिमम अलग अलग नंबर अपने प्रेजेंट कराए, अगर वो सारे प्रेजेंट है तो n प्लस वन हमारा मिसिंग नंबर होगा, वरना उन वन से लेके n तक ही हमारा जो होगा वो मिसिंग नंबर होगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल बात ये है, हमें वो फाइंड करना है। जैसे देखो यहाँ पर वन से लेके n तक सारे प्रेजेंट है, इसका मतलब n प्लस वन मतलब सिक्स मेरे पास मिसिंग है, वो मेरा आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखे तो वन से लेके n तक के सारे प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब कोई वन से लेके n तक में ही मेरा आंसर आ जाएगा। तो टू मेरे पास प्रेजेंट नहीं है, टू मेरा आंसर आ गया जी, बिल्कुल सिंपल बात। अब चलते हैं इसको अपना तीनों मेथड समझेंगे, देखेंगे क्या क्या सबकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, और लास्ट में अपना एफिशिएंट मेथड भी पढ़ रहे होंगे। तो चलते हैं अपना व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो अपने एग्जांपल लिख लेते हैं भाई। मेरे पास जो एन है वो गिवन है पाँच, और एरे मेरे पास क्या गिवन है भाई, जीरो माइनस दस एक बीस तीन, ठीक है। आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, वो तो आपको समझ में आ जाएगा क्या मेथड अपना रहने वाला है। आपको पता है मेरा जो आंसर है वो वन से लेके या तो एन तक आएगा, वो मैंने आपको समझा दिया कैसे। क्योंकि देखो अगर आपके पास पांच साइज का एरे है, आप क्या कर सकते हो, वन टू थ्री फोर फाइव, एफिशिएंट से एफिशिएंट आपके पास ये दिया हो सकता है, ठीक है। उस केस में भी आपका क्या होगा, छह प्रेजेंट नहीं है तो एन प्लस वन आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब या तो आपका आंसर वन से लेके एन तक आ रहा होगा, या तो आपका मतलब वन से लेके एन तक में से कोई प्रेजेंट नहीं होगा, या आपका आंसर होगा एन प्लस वन, बिल्कुल सिंपल। इससे अलग आपका आंसर नहीं होगा। तो आप क्या कहोगे, यार मेरे को पता है मेरी आंसर की रेंज क्या रहने वाली है, तो मैं क्या कर लेता हूँ यार, हर एक को फाइंड कर लेता हूँ मैं, वन से लेके वन टू थ्री फोर फाइव तक फाइंड कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, वही मेथड लगा लेंगे। सबसे पहले मैं वन को फाइंड करूंगा भाई, इसमें मैं ढूंढूंगा, नहीं मिला नहीं मिला, यहाँ पर मेरे को वन मिल गया, चलो ठीक है वन मिल गया भाई, वन आंसर नहीं हो सकता। टू को फाइंड करेंगे, टू मैं पूरे एरे में घूम लूंगा, मेरे को कहीं पर टू नहीं मिलेगा, सात के साथ मैं अपना टू रिटर्न कर दूंगा, बिल्कुल सिंपल बात, ठीक है। मैंने सात के साथ टू रिटर्न कर दिया, टू आ गया मेरा आंसर, ठीक है। उसके बाद अगर एरे मेरे पास ये गिवन हो, आपको टू भी मिल जाएगा, फिर आपको थ्री भी मिल जाएगा, फिर फोर भी, फिर फाइव भी। अब आपको बीच में से वन से लेके एन तक कोई ऐसा नहीं मिला जो प्रेजेंट नहीं है, तो आप क्या रिटर्न करोगे, उस केस में आप रिटर्न करोगे एन प्लस वन, ठीक है। ठीक है मेथड आपका, बिल्कुल ठीक है, वैलिड मेथड है एक, लेकिन एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर यहीं पर बात करें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहने वाली है। देखो आप पहले वन को पिक करोगे, पूरे एरे को ट्रैवर्स करोगे, ठीक है, फिर टू को पिक करोगे, फिर पूरे एरे को ट्रैवर्स करोगे। अगर हम बात करें हमारा ये साइज कितना हो सकता है एलिमेंट, आप एन पिक कर रहे होंगे, ट्रैवर्स किस में कर रहे होंगे, एन साइज के ही एक एरे में, इसका मतलब आपका जो टाइम लगने वाला है वो लगने वाला है एन क्रॉस एन, स्पेस को यूज नहीं हो रहा तो वो तो ऑफ वन ही रहने वाला है आपका, ठीक है। तो भाई जी हमें कहा है ऑफ एन में करने में, हम कर रहे हैं ऑफ एन क्रॉस एन में, तो ये एक अपना वैलिड मेथड नहीं है, ठीक है। अब क्या करते हैं भाई, एक और मेथड देखते हैं अपना, थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज करके। अब वो मेथड मेरे पास क्या जाता है भाई, अपना बाय सॉर्टिंग। बाय सॉर्टिंग कैसे, आपके पास जो एरे गिवन है वो क्या गिवन है, जीरो माइनस दस एक बीस तीन, ठीक है। आप कहोगे यार अगर मैं इनको पहले से ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लूँ, और मैं आपस में चेक कर लूँ उनका जो एलिमेंट जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे उनके बीच का डिफरेंस, अगर मान लीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में आता है वन टू थ्री फोर फाइव, आपको पता है वन से लेके फाइव तक सारे प्रेजेंट है, लेकिन अगर ऐसा रहता है वन थ्री, अब आपको पता चल जाएगा वन के आगे मेरे पास टू मिलना चाहिए था लेकिन मेरे को थ्री मिल रहा है, इसका मतलब डिफरेंस उनका वन से ज्यादा हो रहा है, तो आपका टू सात के साथ आंसर आ जाएगा। कैसे, आप क्या करोगे, इसको सॉर्ट करोगे, ठीक है। आपने करा सॉर्ट, माइनस दस यहाँ पर माइनस बीस, ठीक है, माइनस बीस पहले सॉरी, माइनस दस जीरो एक तीन। अब देखो नेगेटिव नंबर और जीरो को आपको लेने की जरूरत ही नहीं है, ये क्योंकि हमारा कोई रोल प्ले नहीं कर रहे होंगे, हमें सिर्फ अपना पॉजिटिव मिसिंग देखना है, तो पॉजिटिव की बात कर रहे होंगे। जैसे पॉजिटिव आता है मैं अपना, मेरा पहला पॉजिटिव क्या हो सकता है वन, मैं वन से इसको मैच करूंगा, बिल्कुल मैच हो जाएगा, तो नेक्स्ट पॉजिटिव मिलना चाहिए मेरे को टू, लेकिन मेरे को मिल रहा है थ्री, इसका मतलब भाई टू मेरा मिसिंग है, क्योंकि मैं सॉर्ट कर चुका हूँ, टू मेरे को इससे आगे तो नहीं मिलने वाला, थ्री से आगे कहीं भी, तो इसका मतलब मेरा टू सात के साथ आंसर आ जाएगा। इस केस में मैं दो फॉर लूप यूज नहीं कर रहा हूँ, एक तो सॉर्ट कर रहा हूँ, उसके बाद सिंगल फॉर लूप सिर्फ इस एरे को ट्रैवर्स कर रहा हूँ, तो इस केस में जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनकर आएगी वो आएगी मेरी एन लॉग एन मैक्सिमम। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनकर आएगी, ऑफ वन ही रहने वाली है, ठीक है।
कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है आपका। आपने क्या करा भाई, इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर लिया है इस मेथड से। पिछले की एन स्क्वायर थी, इसकी अपनी आई है एन लॉग एन जी, ठीक है। अब देखो एक और क्या करते हैं, चौथा मेथड भी अपना डिस्कस कर लेते हैं। चौथा मेथड आपके माइंड में क्या आ सकता है फिर, ठीक है। तीसरा है अभी, मतलब चौथा उसके बाद डिस्कस करेंगे अपना। एक मेथड आपके पास तीसरा अभी एफिशिएंट ये नहीं है, इसके आगे अपना एफिशिएंट मेथड डिस्कस करेंगे। तीसरा मेथड आपके माइंड में क्या आ सकता है, हम यूज करेंगे भाई जी कुछ हैशिंग, ठीक है। हैशिंग यूज करेंगे, अरे मेरे पास गिवन है 0 -10 1 -23। हैशिंग यूज करेंगे, आपको पता है 1 से लेके n तक के आपके पास एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए, वरना आपका आंसर n प्लस बना जाएगा। आप क्या कहोगे, यार मैं सारे इतना दिमाग क्यों लगाना सॉर्टिंग करना, दो अपने फॉर लूप लगाना, ठीक है, सीधा इनको उठा के मैप में पुट करूंगा, ठीक है। आप क्या करोगे, एक अपना हैश मैप ले लोगे, जावा में क्या लो, सी प्लस प्लस में अनओर्डर्ड मैप ले लोगे, उसमें आप हर एक एलिमेंट की एंट्री कर दोगे। आपने की 0 की एंट्री, 1 मतलब प्रेजेंट है, आप कह लो ट्रू फॉल्स से कर लो या 1 0 से कर लो, आपकी मर्जी है। -10 की एंट्री, 1 की एंट्री, 3 की एंट्री, -20 की एंट्री, इस तरह से आपने एंट्री कर दी, ठीक है। सॉर्टेड वाला मत लेना, क्योंकि फिर एन लॉग एन लग जाएगी, इसमें अपनी ऑफ एन ही लगेगी। अब आप क्या करोगे, आपको पता है आपने सिर्फ एंट्री करी, एंट्री करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन, सारे एरे को एंट्री कर दी हमने। उसके बाद आपको पता है 1 से लेके n तक देखना है। आप क्या करोगे, एक फॉर लूप चलाओगे 1 से लेके n तक, फॉर int i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, ठीक है। इसमें आप क्या चेक करोगे, जैसे सबसे पहले आपके पास 1 आता है, क्या 1 की एंट्री है, हाँ है, इसका मतलब प्रेजेंट है। फिर आपके पास आएगा i, क्या हो जाएगा 2, क्या 2 की एंट्री है, 2 की एंट्री नहीं है, साथ के साथ क्या कर दोगे रिटर्न आई, इसका मतलब इफ अपना मान लेते हैं इसका नाम कुछ मैप ही है, मैप ऑफ आई इक्वल इक्वल 0 है अगर, ठीक है, तो रिटर्न कर देंगे, इसका मतलब वो प्रेजेंट नहीं है। अगर 1 से लेके n तक के सारे प्रेजेंट हो सकते हैं, या आप ऐसा भी कर सकते हो यहाँ पर n प्लस 1 तक चला लो इसको, तो n प्लस 1 वाला केस भी निमट जाएगा। अगर n तक चलाते हो तो आपको बाहर आकर क्या करना पड़ेगा, रिटर्न n प्लस 1, ठीक है, क्योंकि 1 से लेकर अगर n तक के सारे प्रेजेंट हो जाते हैं तो ये लूप तो डिटेक्ट नहीं कर पाएगी, इसका मतलब मेरा n प्लस 1 अपना प्रेजेंट नहीं है, उसको अपना रिटर्न कर देंगे, बिल्कुल सिंपल। ये हुए अपने 3 मेथड, मैंने आपको बता दिए हैं, चाहो तो इनको आप अपने आप कोड कर सकते हो, ठीक है। तीनों मेथड का कोड करूंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, अपना सिर्फ एफिशिएंट मेथड का कोड करेंगे और उसको ही ड्राई रन करेंगे, ठीक है। अब बात आती है भाई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक बार देख लेते हैं, वो आने वाली है ऑफ एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी, स्पेस यूज कर रहे हो आप, मैप ऑफ एन, बिल्कुल सिंपल। लेकिन यार मेरे को स्पेस ऑफ 1 चाहिए, ठीक है, ये तो एन दे रहा है भाई, ये तो मेरे को नहीं चाहिए, स्पेस को भी कम करना है। अब वो कैसे करे भाई, ठीक है, अपना सारा फंडा रुक, जो हमारे दिमाग में आता है वो क्या आता है, हमें सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है, वो क्या ध्यान में रखनी है भाई, 1 से लेके n, सिर्फ ये ध्यान में रखना है और कुछ ध्यान में नहीं रखना, ठीक है। अब देखो एरे लेता हूं मैं, वही ले लेते हैं फिलहाल, 0 -10 1 -23। आपको पता है मेरे को सिर्फ लेना देना है 1 से लेके n तक के एलिमेंटों से, ठीक है, तो मैं उनके साथ ही जो मैनिपुलेशन करूंगा, मैनिपुलेशन वही करूंगा सिर्फ, ठीक है। और वो मैनिपुलेशन मैं क्या करूंगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो माइनस वाला एलिमेंट आता है, 0 आता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है अगर मेरा 1 से लेके n तक का एलिमेंट आता है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको एक और चीज शुरुआत में बताई थी कि आपके जो मैक्सिमम एलिमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं वो 1 से लेके n तक ही प्रेजेंट हो सकते हैं, इनकेस जैसे 1 2 3 4 5 अगर एरे का साइज 5 हो तो। तो यार हर एक एलिमेंट के लिए आप एक पर्टिकुलर इंडेक्स नहीं पिक कर सकते, जैसे 1 है, 1 मेरा पहला एलिमेंट है क्योंकि मेरे पॉजिटिव एलिमेंट मेरे को खाली देखना है, तो मैं कह देता हूँ इसके लिए मेरा इंडेक्स है 0। अगर मेरे पास 2 है तो उसके लिए मैं कह देता हूँ इंडेक्स है मेरे पास 1। तो मतलब कुछ इस तरह से मैं कह रहा हूँ, आपको मेरी बात को ध्यान से समझना इसको, ठीक है। ये 3 को रिप्रेजेंट करेगा इंडेक्स, ये 4 को रिप्रेजेंट करेगा, और ये रिप्रेजेंट करेगा मेरा 5 को, ठीक है। अब देखो 0 से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, 10 से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, जैसे मेरे पास 1 आता है मेरे को पता चल गया मेरा 1 से लेके n तक के बीच का एलिमेंट आ गया, और इसके लिए मेरे पास अपना इंडेक्स क्या है भाई, 0। मैं इसको क्या करूंगा भाई, 0 इंडेक्स पर पुट कर दूंगा, ठीक है। मैंने क्या करा, अपना कुछ इस तरह से बना लिया, इसको 0 इंडेक्स पर पुट करा, ठीक है, और साथ के साथ भाई ये तो मेरा -10 ही है। अब देखो भाई ये 0 कहां जाए, आप कहोगे यार, आप कहोगे 0 मैं प्रोसेस कर चुका हूं, मेरे को लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर आप जो ये स्वैप कर रहे हो ना,
ठीक है, स्वैप ही करोगे आप। अगर आप डायरेक्ट पुट करोगे तो आपका नहीं चलेगा, क्योंकि आप पिछली पोजीशन पर पुट कर रहे हो, इस जीरो को आप देख चुके हो, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं कह दूं यहाँ पर आपके पास होता 5, आप तो भाई आगे पुट करते उसको इस इंडेक्स पर। अगर आप यहाँ 5 पुट करते 3 तो लॉस्ट हो जाता, लेकिन 3 तो मेरा लॉस्ट नहीं होना चाहिए भाई, ये तो गड़बड़ आ गई। इसका मतलब हमें करना है स्वैप डायरेक्ट, यहाँ पर इसको पुट नहीं करना है, ताकि मेरा जब मैं आपको 543 वाला केस बताया, ताकि मेरा 3 भी लॉस ना हो। अब आपने स्वैप करा, जीरो यहाँ पर आ गया, ठीक है। इन केस आपके पास 5 होता तो आपके पास यहाँ पर आ जाता 3, यहाँ पर आ जाता 5, बिल्कुल सिंपल बात। लेकिन आप आगे जाकर 3 को प्रोसेस नहीं कर पाते, क्योंकि 3 की जगह आपने पुट कर दिया है 5, तो आपको 3 को यहीं कहीं प्रोसेस करना पड़ेगा। इसका मतलब आप नेक्स्ट इंडेक्स पर नहीं मूव करोगे, आप इसी इंडेक्स पर स्टे करोगे। तो मेरे पास यहाँ पर आ चुका है 01 को स्वैप करने के बाद 0, ठीक है। इनिशियली इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, मेरे पास 1 थी और इसकी मेरे पास थी भाई अपनी 3, ठीक है। प्रीवियस वैल्यू ही मैंने लिख ली है अभी, चलो ठीक है जी। यहाँ पर मैंने कर दिया 0, अभी मैं अगले इंडेक्स पर नहीं गया, इसी पर ही हूँ। यहाँ पर 0 आ चुका है मेरे पास। अब मैं चेक करूंगा एलिमेंट मेरा क्या 1 से लेके एन तक के बीच नहीं है ही नहीं भाई, लेने की जरूरत नहीं आगे चलो। सिमिलरली -20 नहीं है, लेने की जरूरत नहीं आगे चलो। अब 3 आया, इसको पुट कर देंगे। 3 के लिए मेरे पास कौन सा इंडेक्स है, ये वाला, ठीक है। तो इसका मतलब 0 की जगह मैं 3 पुट कर दूंगा और मेरा -20 ऐसे ही है और 3 की जगह मेरा आ जाएगा 0। अब मैं इंडेक्स इंक्रीज नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है आगे से कोई एलिमेंट मेरे पास स्वैप होकर आया हो, तो उसको भी तो प्रोसेस करना है। तो मैं यहीं का यहीं स्टे करूंगा, मैं चेक करूंगा ये तो 0 है, लेने की जरूरत नहीं है, बात खत्म। ये मेरा एरे बनकर आ गया, ठीक है। अब मेरे को इसमें सेंसर फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है, पहले प्लेस पर मेरा 1 पड़ा होना चाहिए, पड़ा है। दूसरे प्लेस पर मेरा 2 पड़ा होना चाहिए, नहीं पड़ा है, दो आंसर, बात खत्म, बिल्कुल सिंपल। एक और एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं मैं, हल्का सा इसी एग्जांपल को मॉडिफाई कर लेते हैं। यहां पर 0 -10, ठीक है, 5 3 जो मैंने आपको बताया था वही ले लेते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है जी। तो सबसे पहले 0 कोई लेना देना नहीं, 10 -10 कोई लेना देना नहीं, आया भाई 5, 1 से लेके n तक के बीच है। तो क्या करेंगे भाई, स्वैप करेंगे, 5 की पोजीशन ये होगी, मतलब एक्चुअल में 5 है पोजीशन, है उसकी 4, मतलब जो भी एरे ऑफ i-1 है वो इसकी एक्चुअल पोजीशन है। हम कर देंगे 3 के साथ इसको स्वैप, मेरा बनकर आ जाएगा ये। अब आपने 3 को तो प्रोसेस नहीं करा, इसलिए आप यहीं पर स्टे करोगे। आपके पास आ गया 3, 3 की पोजीशन क्या है, 3 की पोजीशन मेरे पास यही है, 3 अपने खुद की ही पोजीशन पर पड़ा है। इसका मतलब उसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, खुद से खुद को स्वैप, तो फिर आप इनफिनाइट लूप में फंस जाओगे, स्वैप ही करते रह जाओगे, ठीक है। क्योंकि आप 3 से इस पोजीशन से इस पोजीशन को स्वैप करोगे, फिर ये यहीं कहीं रह जाएगा, तो वो इनफिनाइट लूप एक तरह से अपनी बन जाएगी। तो आपको चेक करना है क्या एक्चुअल में मेरा सही पोजीशन पर तो नहीं पड़ा। अगर सही पोजीशन पर पड़ा है तो कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है भाई, सिंपल लग गया चलो। -20 कोई लेना देना नहीं है, -20 से हमारा 5 आया, 5 पहले अपनी सही पोजीशन पर पड़ा है, क्योंकि हमने पहले उसको सेट कर चुके हैं, तो इससे कोई लेना देना नहीं है, बाहर आ जाओ। ये मेरा बन गया अपडेटेड एरे, अपडेटेड एरे बन गया। सबसे पहली पोजीशन पर मेरा 1 पड़ा होना चाहिए, जो कि पड़ा नहीं है, 1 मेरा आ गया आंसर, बिल्कुल सिंपल। अपना ये काम करेंगे, आप देख लो 1 ही आंसर आएगा, 1 इसमें प्रेजेंट नहीं है, मिनिमम पॉजिटिव नंबर। तो इसकी जो मेरे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनकर आएगी वो आएगी ऑफ एन, एक ट्रैवर्स सिंपल कर रहे होंगे, उसके बाद एक और ट्रैवर्स कर रहे होंगे फाइंड करने के लिए, ठीक है, वो भी ऑफ एन में ही होगा, स्पेस को यूज नहीं कर रहे तो ऑफ 1, ठीक है। अब क्या करता हूँ यार मैं, एक काम कर लेते हैं, अपना एग्जांपल लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं -10 0 और फिर 5 -23, ठीक है। कोड लिखेंगे, इस एग्जांपल से ड्राई रन करेंगे, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। अब सिंपल हमें क्या करना था भाई, अपना जो एरे है उसको ट्रैवर्स करना है भाई, ठीक है। सबसे पहले मेरे को चेक करना है 1 से n के बीच है या नहीं। अगर एरे ऑफ i ग्रेटर देन 0 एंड एरे ऑफ i लेस देन इक्वल टू n, एंड एक और चीज मैंने आपको बताई थी क्या, अब देखो मैं आपको उस केस के लिए एक और एजुकेशन बता देता हूँ। आप क्या कहोगे यार, आपने क्या कहा था मेरे को, जो हमने आपको एक्सप्लेनेशन में समझाया वो क्या था कि भाई जैसे अपडेट होने के बाद मेरे पास मान लेते हैं ऐसे आ गया था, ठीक है। आप अगर यहाँ पर दोबारा चेक करोगे तो आप क्या कहोगे यार, 3 है वो इक्वल है किसके, i+1 के, ठीक है। इसका मतलब वो अपनी सही पोजीशन पर पहले से ही पड़ा है, इसको मेरे को पोजीशन पर डालने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल आप ये कहोगे। इसका भी मैं आपको एक एजुकेशन बताता हूँ कहाँ पर ये फंस सकता है, वो कहाँ पर फंस सकता है, जब आपके पास डुप्लीकेट एलिमेंट प्रेजेंट हो। डुप्लीकेट एलिमेंट प्रेजेंट हो वो कैसे, अगर मेरे पास कह लेते हैं हम यहाँ पर 0, यहाँ पर -10, यहाँ पर 3 अपनी सही पोजीशन पर पड़ा है, लेकिन यहाँ पर एक और 3 पड़ा है, ठीक है। आप इस 3 पर आए, आपने इसको चेक करा, क्या एरे ऑफ i इक्वल है i+1 के, इसका मतलब सही पोजीशन पर है, एरे ऑफ i है 3,
इक्वल इक्वल है क्या? 2 + 1 3 के, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस 3 पर आओगे आप, क्या 3 इक्वल इक्वल है 3 + 1? क्या 3 इक्वल इक्वल है 4 के? इसका मतलब नहीं है। आप इसके लिए प्रोसेसिंग करोगे, प्रोसेसिंग करोगे आप इसको स्वैप करोगे किससे, जो इसकी एक्चुअल पोजीशन है उससे। अब स्वैप होने के बाद ये ऐसा कैसे रह जाएगा, क्योंकि दोनों प्लेस पर ही 3 बना हुआ है, फिर 3 का 3 ही रह जाएगा और आप नेक्स्ट पोजीशन पर भी मूव नहीं करोगे क्योंकि आपने प्रोसेसिंग की है, ठीक है। फिर आपको 3 मिलेगा, फिर आपकी फॉल्स कंडीशन हो जाएगी, आप फिर इन्फिनिट लूप में फंस जाओगे, ठीक है। तो उसके लिए अपनी क्या कंडीशन है, अगर जिस पोजीशन पर ये होना चाहिए 3, उस पोजीशन पर पहले ही 3 पड़ा है। आपको इंडेक्स से चेक नहीं करना है, आपको किससे चेक करना है, अगर एरे ऑफ आई इक्वल इक्वल है एरे ऑफ आई माइनस 1 के, ठीक है। ये क्या कहना चाहता है, एरे ऑफ आई मतलब ये 3 अगर इक्वल इक्वल है एरे ऑफ आई माइनस 1 मतलब 3 के लिए इंडेक्स क्या होगा 2, एरे ऑफ 2 पर क्या पड़ा है 3 के, अगर 3 के इक्वल है, इसका मतलब जहां पर मैं इसको स्वैप करने जा रहा हूँ वो सेम ही एलिमेंट है भाई, मेरे को स्वैप करने की जरूरत नहीं है, प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उस केस में मैं प्रोसेसिंग अपनी नहीं करूंगा, ठीक है। अगर दोनों इक्वल इक्वल हुए तो नहीं करूंगा, अगर इक्वल नहीं हुए तो ही करूंगा। तो मतलब एक कंडीशन मेरी यहाँ पर क्या बनेगी, अगर एरे ऑफ आई इज नॉट इक्वल है एरे ऑफ आई माइनस 1 के, बिल्कुल सिंपल बात। अगर ऐसा होता है तो मैं क्या करूंगा, स्वैप कर दूंगा किसको, एरे ऑफ आई को एरे ऑफ आई माइनस 1 को, बिल्कुल सिंपल। और अपना आई माइनस माइनस क्यों करूंगा यार मैं, देखो मैंने आपको बताया उस स्वैप होकर वहां पर कोई नया एलिमेंट आया, ऐसा हो सकता है जैसे 543 के केस में मेरे पास वो एलिमेंट के लिए मैं प्रोसेस नहीं करा था तभी तक मैंने, तो उसके लिए मेरे को दोबारा प्रोसेस भी करना है, वरना आपका आई प्लस प्लस होकर नेक्स्ट एलिमेंट पर आप मूव कर जाओगे, आपने मूव नहीं करना है, वहीं स्टे करना है, इसलिए आई माइनस माइनस किया है। उसके बाद मेरे को सिंपल क्या करना है भाई, इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, ठीक है, अपना चलाना है। अगर एरे ऑफ आई नॉट इक्वल होता है मेरे पास आई प्लस 1 के, मतलब 1 पर 1 नहीं, 0 पर 1 नहीं मिलता, 1 पर 2 नहीं मिलता, तो रिटर्न क्या कर दो भाई, आई प्लस 1, ठीक है। अगर सारा कुछ मिल जाता है इसका मतलब मेरा क्या प्रेजेंट नहीं है भाई, एन प्लस 1। अगर आप इस आई माइनस माइनस से कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ एक और मेथड यहाँ पर, जब तक आई लेस देन है एन वाइल लूप यूज कर लो भाई, ठीक है। आई प्लस प्लस ही तब करेंगे सिर्फ अपना जब अपनी ऊपर वाली कंडीशन नहीं चलेगी, बिल्कुल सिंपल बात, ठीक है। बस आपको अब ये आपको थोड़ा आसान पड़ जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पर आपको फिर int i इक्वल टू 0 भी लेना पड़ेगा। अब एक बार ना इसको पहले चला कर देखते हैं, फिर ड्राई रन करेंगे, कहीं एरर आया तो पहले उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सही होने के बाद ही ड्राई रन करेंगे इसको, सही चल रहा है अभी तक तो, सबमिट करके देखते हैं एक बार भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए वैसे तो। सही है भाई, सबमिट हो गया, अब इसको करते हैं ड्राई रन। एग्जांपल अपना सिंपल से लिख लेते हैं, -10 0 1 -20 3, ठीक है। सबसे पहले देखो भाई, ये मेरे पास आ गया अरे आई, मैंने ले लिया 0, मतलब आई मेरा पॉइंट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है जी। उसके बाद मैंने एरे ऑफ आई मतलब -10, क्या -10 > 0 है, ये तो ये फॉल्स हो गया भाई, काम खत्म, आई प्लस प्लस, आई मेरा यहाँ पर आ गया। क्या 0 > 0 है भाई, काम खत्म, आई मेरा यहाँ पर आ गया। क्या 1 > 0 है, बिल्कुल है। क्या 1 < 5 है, बिल्कुल है। क्या 1, देखो अब समझना है यहाँ पर बात को, एरे ऑफ आई नॉट इक्वल टू, अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन रहा हो, ठीक है, क्या 1 नॉट इक्वल है किसके, एरे ऑफ 1 - 1, मतलब क्या 1 नॉट इक्वल है एरे ऑफ 0 के, क्या 1 नॉट इक्वल है एरे ऑफ 0 पर क्या पड़ा है भाई, -10 के, जी बिल्कुल नॉट इक्वल है, इसका मतलब 1 की एक्चुअल पोजीशन पर 1 नहीं पड़ा है, तो भाई एक्चुअल पोजीशन पर 1 पा दो, यहाँ पर -10 को ले आओ, हो गई स्वैपिंग, ठीक है, ये हो गई स्वैपिंग। आई प्लस प्लस इस केस में नहीं हुआ, इसका मतलब आई मेरा यहीं पर पॉइंट कर रहा है। फिर मैं चेक करूंगा क्या ये > 0 है, नहीं, आई प्लस प्लस, क्या ये > 0 है, नहीं, आई प्लस प्लस। अब 3 पर आए, क्या 3 > 0 है, हाँ, क्या 3 < 2n है, हाँ, क्या 3, ये देखो फिर से, क्या 3 नॉट इक्वल है एरे ऑफ 3 - 1 2 के,
क्या तीन नॉट इक्वल है, एरे ऑफ दो पर क्या पढ़ाया भाई, वन, ठीक है, एरे ऑफ दो पर वन नहीं है, अपडेटेड में देखो भाई, जीरो एक दो माइनस टेन के नॉट इक्वल है जी, बिल्कुल, इसका मतलब तीन अपने एक्चुअल पोजिशन पर नहीं है, तो उसको स्वैप कर दो, आफ्टर स्वैपिंग जो मेरे पास एरे बनकर आ जाएगा वो क्या बनकर आ जाएगा, थ्री माइनस ट्वेंटी माइनस टेन, आई प्लस प्लस नहीं होगा, इसका मतलब भाई यहीं पर पॉइंट करेगा, फिर हम चेक करेंगे तो भाई लेस देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो तो है ही नहीं, बात खत्म आ गए बाहर, इतना काम अपना निमट गया, वाइल लूप खत्म। फिर फॉर लूप में हम क्या चेक कर रहे हैं, एरे ऑफ आई अगर नॉट इक्वल आई प्लस वन के, ठीक है चेक कर लेते हैं, एरे ऑफ आई नॉट इक्वल आई प्लस वन मतलब जीरो प्लस वन के नॉट इक्वल है, नहीं यार, इसका मतलब ये सही पोजिशन पर है, यहाँ पर जीरो है, क्या जीरो नॉट इक्वल है वन प्लस वन मतलब टू के, जी बिल्कुल है, इसका मतलब मेरा आंसर है भाई टू, आई प्लस वन मेरा आंसर है, टू मेरे पास प्रेजेंट ही नहीं है, अगर सारा कुछ प्रेजेंट है तो मेरे पास भाई जो नॉट इक्वल आएगा वो क्या आएगा, मतलब जो प्रेजेंट नहीं आएगा वो आएगा मेरे पास एन प्लस वन। अब क्या करता हूँ, आपको जावा में भी अपना ये कोड लिख कर एक बार मैं अपना दिखा देता हूँ, अब भाई जावा में भी कोड लिख लेते हैं, इंट आई इक्वल टू जीरो व्हाइल आई लेस देन साइज, ठीक है, इफ एरे ऑफ आई इज लेस देन इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, एंड एरे ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू साइज, एंड नहीं है यहाँ पर, एंड एरे ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू एरे ऑफ आई माइनस वन, बिल्कुल सिंपल, अगर ऐसा होता है तो हमें स्वैप करना है भाई, क्या करते हैं यहाँ पर सिंपल अपना स्वैप कर लेते हैं एरे ऑफ आई को, फिर अपना एरे ऑफ आई में क्या पुट कर देंगे भाई, एरे ऑफ आई माइनस वन, ठीक है, और एरे ऑफ आई माइनस वन में क्या पुट कर देंगे भाई अपना एम पी हो गया स्वैप, एल्स अपना आई प्लस प्लस, उसके बाद तो फोर इंट आई इक्वल टू जीरो आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस इफ एरे ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू आई प्लस वन, तो रिटर्न कर देंगे भाई आई प्लस वन, वन रिटर्न कर देंगे एन प्लस वन, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन सारा कर ही चुका हूँ भाई जी, ठीक है, इसको एक बार चला कर देखते हैं यार जावा कोड को भी, इसमें कोई एरर अपना आना तो नहीं चाहिए, देख लेते हैं फिर भी कोई अगर दिक्कत आती है तो, इसमें एन प्लस वन यार ये आएगा यहाँ पर साइज, अब चलाते हैं इसको एक बार, ठीक है जी, इंट आई आई मेरे पास पहले ही डिक्लेयर किया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर दोबारा डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, अब चलाते हैं इसको, सही चल रहा है भाई, सबमिट करते हैं इसको, ये इसमें एरर आ रहा है भाई, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ठीक है, देखते हैं वो किस कारण आ रहा है, तो उसका कारण अपने पास ये है, एरे ऑफ आई माइनस वन जो हम ले रहे हैं, एरे ऑफ आई तो अपना अपडेट हो चुका है ना ऊपर, तो अब यहाँ पर उसे नहीं ले सकते हम, ठीक है, वो तो अपना अपडेट हो चुका है अपना, तो फिर आउट ऑफ बाउंड जा सकता है यार, तो उसकी जगह मेरे पास एरे ऑफ आई मैंने किस में लिया भाई, टेम्प में, टेम्प आ जाएगा, ठीक है, या फिर आप स्वैप फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो, अब आपको सबमिट करके दिखाता हूँ मैं, और गाइस दोनों कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो, किसी प्रकार का डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।